بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات ولا ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बस मैं ये चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करें ताकि उनके बच्चे जो है यहाँ तक पहुँच सकें। जितने हम लोग हमारे जो सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए, एक तो उनके लिए क्या कि हम लोग जला रहे हैं एक कैंडल लाइट, और दूसरा ये कि ये तमाम बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, जो जिस तरह ये मिकदाम है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि ये इतनी बड़ी जो इसने कैंडल बनाई है तो ये आज दुनिया को दिखाएगा कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली। ये तो आज हम यहाँ मिकदाम खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं जो इसने ये क्षमा जलाना का फैसला किया है उन ग्यारह सेक्टर्स के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी इच्छा कबूल करे और हमें और हमारी पूरी कौम को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला था। मैं मिकदाम खान के इस काम पर जो कर रहा है बहुत खुश हूँ और मुझे फ़ख्र है कि वो हम जैसे फौजियों के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी उनके लिए इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ उसने ये काम किया और उनको रिप्रेजेंट किया। जलजलों की ना दस्तरस हो कभी, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। अच्छा, आज का इवेंट जो है हम कर रहे हैं एक बच्चे के जज्बे की खातिर और उसने ग्यारह के शहदा के लिए जो एक तन तनहा 60 पाउंड की कैंडल बनाई है वो सिर्फ खराज तहसीन पेश करने के लिए, और ये उसी की खातिर सारा फंक्शन हो रहा है और ये फंक्शन भी उसी का है। इवेंट तो बहुत अच्छा है, इतना इवेंट होने चाहिए और बेसिकली पाकिस्तान में जहाँ पे अभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है मोस्टली आर्मीज़ के लिए, वहाँ पर इस तरह के अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आगे कुछ करेंगे ना अपनी कंट्री के लिए स्पेशली, तो सपोर्ट कोई नहीं करता बेसिकली एज यू नो दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए और वो अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकें। आज के इवेंट के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा और मैं नई तारीख रकम करूँगा। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पाक फौज और आवाम एक दूसरे के साथ हैं। Thank you.
दुनिया जो अखबार है जिसके मुताबिक हम बिना सबसे फखर से दूसरा भरण कर सकते हैं। तो अगर हम ये तरफ अपने नौजवानों में आने वाले मौसम में इसको बढ़ाएंगे, इसको फहराएंगे, तो ये मिसाली कौम बन के आगे जाके इन्हीं बच्चों बच्चे लेकर के इसी तरह के जवान पैदा होंगे और जो फिर ग्रेस पैदा हो सिर्फ अपने मुल्क को अपने अल्लाह की रजा के लिए इसकी सरहदों की हिफाजत करेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे। हम सबका जमा होने का जो मकसद है वो सिंपल यही है कि 11 में जितने भी हमारे ट्रूप्स की जाने गई हैं उनको ट्रिब्यूट हम यहाँ पर दे रहे हैं। पूरी आवाम को ये बताना है कि अभी भी फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हैं और अभी आखिर वक्त तक उनको निकालने की कोशिशें करते रहेंगे और अभी भी इतने पाक फ़ौज के ऐसे जवान हैं जो कि इस मकसद के लिए तैयार हैं कि आज भी अगर उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाए तो वो देने को तैयार हैं। फ़ौज के हौसले कभी भी पस्त नहीं हो सकते, वक्त के साथ साथ बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हम बिल्कुल उनकी फैमिलीज़ के साथ हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और यही आज का हमारा यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। अज़ाइम को सीनों में बेदार करते हैं, निगाह मुसलमान को तलवार आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई, शहादत है मतलूब ओ मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मई के विश के जो बच्चे हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बासित जिसको सबसे यंगेस्ट पाकिस्तानी सोल्जर होने का एजाज़ हासिल हुआ था आज वो भी इस कैंडिडेटिंग जो सेरेमनी है उसमें हिस्सा लेगा। और मेन मकसद इन बच्चों को यहाँ पे आ जाने का ये है कि ये दुआ करेंगे कि हमारे वो जो फ़ौजी सियाचिन पर जिन्हें शहीद हुए हैं उनके लिए आज यहाँ पर दुआ करेंगे। और मई के विश और हमारी आर्म फोर्सेज का एक रिश्ता है क्योंकि हमने इसको शुरू किया था जब एक बच्चा शुरू करना चाहता था और उसके बाद से अभी तक तकरीबन 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फ़ौज में शामिल हो चुके हैं और इन बच्चों को कैनी साहब से मिलने का भी एजाज़ हासिल हुआ है। मैं कहूँगा कि ये अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं इनकी कुर्बानी कबूल करें और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। ये इतना बड़ा कौमी सानहा जहाँ एक बहुत बड़ा कौमी सानहा है पूरे मुल्क के लिए, वहाँ उससे ज़्यादा अफसोस की बात जो है कि इस सानहे को हम खुले तरीके से अपना गम जो है वो इज्तमाही तौर पर उसका इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कोने खुदरों में खड़े होकर सहमे सहमे लहजों में अपने इस मुल्की जो इतना बड़ा सानहा हुआ है हमारी फ़ौज के साथ जो एक नागानी आफत के तौर पे हुआ है, जो इससे सबक हमें सीखना चाहिए कि इन नामसाइद हालात के बावजूद कि जिनके तहत वो बेचारे रुखमा अजल बन गए वो सब शहीद हो गए, मगर आफरीन है उस फौज पर कि बग़ैर वक्त ज़ाय कि वे लम्हा ज़ायर की बग़ैर इन तमाम शहीदों की जगह नए दस्तों ने ले ली है और वो उन्हीं नामसाइद हालात में उन्हीं मुश्किलों में वहाँ खड़े हुए अपने एक ज़मीन के खत्ते की एक एक इंच की ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। सलाम ही नहीं है, मेरा तो फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं ऐसे मुल्क का वासी हूँ जिसकी मुल्क की फौज ऐसी है।
Ah!